तो अगर ये एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल कितना होगा, पाई माइनस थीटा। टेक दैट ट्राइंगल, वो ट्राइंगल ले लीजिए, तो ट्राइंगल ले लेंगे तो क्या होगा, दैट इज साइन पाई माइनस थीटा। साइन की वैल्यू क्या होती है, अपोजिट अपॉन नहीं, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हो जाएगा ए अपॉन आर। और साइन 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, यस बॉयज एंड गर्ल्स, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा ना बेटा, साइन थीटा और साइन 180 डिग्री माइनस थीटा दोनों सेम होता है ना, साइन थीटा और साइन 180 डिग्री माइनस थीटा दोनों सेम होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज ए अपॉन आर। पुट द वैल्यू हियर, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। साइन थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे हम लोग, ए अपॉन आर, ठीक है। अच्छा ए तो जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर चला जाएगा, ठीक है, ए विल बी कांस्टेंट, दैट विल गो आउट। अच्छा अब अंदर क्या रह जाएगा, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये 4 और ये 2, हाँ ये नहीं, ये 4 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, इट बिकम 2, ये 2 रह जाएगा, और साइन थीटा दैट इज ए अपॉन आर। तो एक काम करते हैं, ए बाहर कर लेते हैं हम लोग, और नीचे आर क्यूब हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए बाहर कर लेते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल अपॉन आर क्यूब। अच्छा आर क्यूब क्या होगा, देखो जरा यहाँ पे, व्हाट इज आर क्यूब हियर, आर की वैल्यू ये है, मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1/2, रूट का मतलब 1/2 होता है, देन आर क्यूब क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2, ठीक है, इट बिकम 3/2। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ dl, और यहां पे क्या आएगा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। अच्छा हम लोग जीरो से इन्फिनिटी ले रहे हैं, क्योंकि हाँ जीरो से इन्फिनिटी हम ले रहे हैं इधर, इज इट क्लियर नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, इसका जो इंटीग्रेशन है ना, ये यहाँ पर मतलब ये बियॉन्ड है, मतलब यहाँ पे आप इंटीग्रेशन जो है ना फिजिक्स के बियॉन्ड है, मतलब आपको मैथ्स में ही सीखना पड़ेगा इसका इंटीग्रेशन, तो आई एम टेकिंग इट डायरेक्टली, ठीक है, तो ये आप जब मैथ्स सर आपको पढ़ा देंगे इंटीग्रेशन, तभी आप इसको कर पाएंगे थोड़ा सा इंटीग्रेशन, इज इट क्लियर, तो ये इसके बियॉन्ड है, ओके व्हाट आई एम सेइंग। तो जब इसका इंटीग्रेशन आप एग्जाम में डायरेक्टली कर लीजिएगा, ठीक है, बुक में भी आपके डायरेक्ट दिया हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ऊपर ए इंटीग्रेशन करेंगे तो इट विल कम, दैट इज 1 अपॉन ए स्क्वायर आएगा, सिर्फ 1 अपॉन ए स्क्वायर आएगा, इट विल कम 1 अपॉन ए स्क्वायर, टू डू द इंटीग्रेशन इट विल कम 1 अपॉन ए स्क्वायर ओनली, और लिमिट जब रख देंगे 0 टू इंफिनिटी, तो एक एक आंसर हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। तो ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट आपको डायरेक्टली मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये तभी सीख पाएंगे जब मैथ्स में इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि अननेसेसरी हम उसको इंटीग्रेशन में ले जाएंगे, मतलब लॉजिक नहीं है, ठीक है, बुक में भी डायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली इसलिए दिया हुआ है क्योंकि थोड़ा सा बियॉन्ड है, क्योंकि बच्चे नॉन मैथ्स भी होते हैं, तो ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट आपको डायरेक्टली मैनेज करना पड़ेगा, इज इट व्हाट आई एम सेइंग, कॉपी ऑन दिस वन, तो कॉपी कर लो जरा,
सर थोड़ा नीचे लिखिए ना, हाँ इधर साइन थीटा भी निकाल लेना। साइन थीटा कैसे निकाला है, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू फिर हम लोग ने यहाँ पे रखी है। साइन थीटा इज एवा है, फिर आर क्यूब हमने रखा है इधर। स्क्रॉल डाउन ए मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होम दी वायर। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है यार अपने न्यूमेरिकल के लिए। और प्रॉब्लम्स ओके okay. ये तो एक फॉर्मूला हुआ, लेकिन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर तो फॉर्मूला ध्यान से समझो। एक फॉर्मूला डायरेक्ट दिया गया आप लोगों को, हर चीज का डेरिवेशन नहीं किया गया, ठीक है। नाउ सो हमें फॉर्मूला क्या मिल गया, फॉर्मूला इज इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर नंबर वन जो हमने ऊपर निकाला है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर infinitely long wire, ठीक है। और वायर ऐसा है जैसे ये लाइक दिस वे, मतलब प्लस इंफिनिटी से लेके माइनस इंफिनिटी, और ए जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम दी वायर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, दैट इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई ए। आई हो गया तुम्हारा करंट, आई करंट हो गया, ए डिस्टेंस फ्रॉम द वायर हो गया, दिस इज अ फॉर्मूला। नो लेकिन अगर सेमी इनफाइनाइट हो, व्हाट मीन बाय सेमी इनफाइनाइट, मतलब आधा, जो हम आधा ले रहे थे, जैसे ये आधा अगर वायर लेते देन जैसे ये For semi-infinite wire, मतलब इसका आधा, तो इसको आधा कर देंगे, उसमें क्या है semi-infinite wire, मतलब at the end of long wire, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, फियर इसका हो जाएगा, दैट इज एंड, हमें एंड पे चाहिए तो सेमी इनफाइनाइट बोलेंगे। ये करंट है और एंड पे हम निकाल लें, वहां पे ये हो जाएगा दैट इज डिस्टेंस ए, और इधर इंफिनिटी है प्लस इंफिनिटी, और इधर क्या है माइनस इंफिनिटी, याद रखना इधर माइनस इंफिनिटी है और इधर प्लस इंफिनिटी, दैट वन यू कैन इमेजिन दिस डायग्राम।
तो वो मैग्नेटिक फील्ड का आधा हो जाएगा, तो डिवाइड बाय टू करेंगे तो फोर हो जाएगा, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन डिवाइड बाय टू करेंगे तो फोर पाय ए हो जाएगा। ए मतलब यार इतना परपेंडिकुलर आर को, मैंने आर लिया था, मैंने आर नहीं लिया क्योंकि आर मतलब रेडियस हो जाएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने ए लिया है। मेरी बात समझ रहे हो, मैंने ए लिया है, लेकिन आपके बुक में आर लिया है, आर से कन्फ्यूजन हो सकता था इसलिए मैंने उसको ए ले लिया। आपको लगेगा कि रेडियस है, फिर वो ओपन दिस मामला ऑल्सो सेकंड वाला सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ये दोनों प्रॉब्लम्स में आएंगे फॉर प्रॉब्लम्स। ए मतलब डिस्टेंस फ्रॉम दी वायर और आई मतलब करंट और म्यू नॉट की वैल्यू तो मालूम है, म्यू नॉट की वैल्यू कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई होता है 10^-7, तो म्यू नॉट कितना हो जाएगा, दैट इज 4π 10^-7 व्हाटएवर इट इज टेस्ला एम्पियर पर मीटर, टेस्ला एम्पियर पर मीटर। अच्छा हाँ, आपकी बोर्ड की बुक में देख रहा था, उसमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन वाला जो हमने डायरेक्ट कर दिया उसको, उन्होंने साइड में एक जगह सॉल्व करके दिखाया है कि कैसे किया जाता, बट दैट इज प्योरली मैथ्स, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, कोई जरूरत नहीं। दे डिड समवेयर इन बॉक्स, बॉक्स में देखो येलो कलर का बॉक्स बनाया, उसमें किया हुआ है पेज नंबर 241 पे, इन्होंने बताया कि कैसे इंटीग्रेशन किया जाएगा, क्योंकि वो प्योर मैथ्स है बेसिकली वो। हो गया, बॉयज एंड गर्ल्स हैव यू कंप्लीटेड? यस सर। ओके, नाउ हम लोग नेट डेरिवेशन पे चलते हैं, क्योंकि डेरिवेशन बहुत है इसमें, ठीक है, और सब है बोर्ड्स में भी है तो कर ही लो उतने, ठीक है। नाउ दिस नेक्स्ट वन क्या है, पेज 241, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर हर्षल टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर कुछ नहीं कैरिंग करंट ठीक है, टू लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। तो मैं समझा रहा हूं, देखो ध्यान से। अच्छी जब दो वायर होते हैं, लुक हियर, सपोज कर लो मैं दो वायर ले रहा हूं उधर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं। कैसे? सपोज अगर इनमें करंट फ्लो कर रहा है, दीज टू आर द वायर्स, इन दोनों में करंट सपोज कर लो पैरेलल है लेकिन सेम डायरेक्शन में, I1 and I2, इसमें भी करंट है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, I1 and I2, तो सेम डायरेक्शन वाले करंट एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे,
वो एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में करंट वाले एक दूसरे को रिपेल करेंगे. इट्स लाइक दिस वे. तो हम ऐसे बोल देते हैं कि ये होता है लाइक करंट्स. लाइक करंट मतलब सेम डायरेक्शन में. तो लाइक करंट अट्रैक्ट्स ईच अदर एंड अनलाइक करंट रिपेल्स. अनलाइक करंट रिपेल्स. जब इंट्रोडक्शन पार्ट कॉपी कर लीजिए तो हम लोग डेरिवेशन करते हैं. अनलाइक करंट रिपेल्स एंड लाइक करंट अट्रैक्ट्स. हाँ लिख लिया. बहुत जल्दी उस डेविएशन का है हम लोग. हाँ ठीक है. बहुत दिन को स्टार्ट करें डेरिवेशन. हो गया ना, आवाज आ रही है कि नहीं? यस सर. हाँ स्टार्ट करता हूँ. ठीक है, तो जस्ट हियर लेट्स सी. लेट्स सी इट इज अ वायर. लेट्स सी एक वायर ले लेते हैं. लेट्स सी इट्स अ वायर. ठीक है, इट इज अ वायर. लेट्स सी लाइक दिस वे. It is a wire. Let's see. ठीक है, ये वायर है. और let's say इसमें करंट जा रहा है, let's say I1. Let's say इसमें करंट जा रहा है I1. तो यहां पे हम ले लेते हैं, let's say इसमें करंट जा रहा है I1. तो ये क्या करेगा, अपने सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड. यस, ये अपने सराउंडिंग में प्रोड्यूस कर देगा मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस वे. ठीक है, इसके सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. फॉरवर्डिंग, इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. सो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. ठीक है, सो यार कोई डायग्राम जम नहीं रहा, एक समय रुको, मुझे ठीक से बनाने दो. वेट, मैं ऐसे बनाऊंगा. मैं ऐसे क्यों बनाऊंगा, मैं स्ट्रेट बनाऊंगा. लिव इट. लेट्स से इट्स अ वायर. एक सेकंड रुको बेटा. यस सर. हाँ ठीक है, चलो. ये वायर है, ये मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना रही है इसके अराउंड. ठीक है, लाइक दिस वे. सो ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जा रही है. लुक हियर, इट इज कमिंग लाइक दिस वे. फिर वो ऐसे जा रही है. तो हियर इट इज गोइंग टेंजेंट. हियर इट इज गोइंग
टेंजेंट, या एक काम करते हैं इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं. इट इज गोइंग इन दिस वे. ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही, रुकिए. ठीक है, लाइक दिस. और ये डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं, लेट्स से डी ले लेते हैं. लेट्स से डिस्टेंस इज डी. तो लेट्स से यहां से जो वायर से डिस्टेंस है वो डी है. दैट इज डी. डी ले लेते हैं. डिस्टेंस इज डी. डिस्टेंस डी है. तो व्हाट इज द मैग्नेटिक, इसको हम वायर वन ले लेते हैं. वायर वन. तो कंडक्टर वन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बी वन. प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बी वन. बी वन का फॉर्मूला क्या है? अभी हमने पढ़ा था स्ट्रेट वायर का, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई ए की जगह डी हो जाएगा आई वन. ठीक है, तो वो जो है जो सियर वो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया उसने इस पॉइंट एट डिस्टेंस डी. तो ए की जगह हम लोग डी ले लेंगे. म्यू नॉट आई अपॉन आई वन अपॉन टू पाई डी. डी डिस्टेंस हो गया. अब हमने क्या किया ना, उस जगह पे पहले पता यहां तक चलना है. एक वायर ने अपने सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस किया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया, दैट इज बी वन. और बी वन की वैल्यू क्या है ड्यू टू स्ट्रेट वायर, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई डी. ठीक है, अब आपने इसी जगह पे एक दूसरा वायर रख दिया. व्हाट आई एम सेइंग, आपने इसी जगह पे एक दूसरा वायर रख दिया लाइक दिस वे. सी सेम वायर यू आर प्लेस्ड एट दिस पॉइंट. ठीक है, इसी जगह पे मैं दूसरा वायर रख देता हूं. नो, जैसे ये एक दूसरा वायर उसने उसी जगह पे रख दिया. मैं आपने हाथ से ब्लॉक कर देता हूं, लिखिए. ये करंट है I2. तो ये जो Y2 है ना वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. तो कंडक्टर 2 मतलब Y2 ले लेते हैं. तो कंडक्टर 2 एक्सपीरियंसेस फोर्स, एक्सपीरियंसेस फोर्स ड्यू टू B1, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर वन ऑफ हाँ. तो एक्सपीरियंस ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर वन दैट इज बी वन. तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन वायर टू इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, ट्रेवलिंग लेफ्ट हैंड रूल बी आई एल साइन थीटा. तो बी वन आई टू, इसकी लेंथ एल ले लेते हैं हम लोग. इसकी लेंथ क्या ले लेते हैं, एल. एल साइन 90 बन रहा है. देखो जैसे यार यहां पे एंगल देखो 90 बन रहा है, साइन 90. तो फोर्स ऑन टू क्या आ जाएगा, दैट इज बी टू की वैल्यू रख दो, बी वन की वैल्यू इधर. तो ये हो जाएगा दैट इज म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई डी आई टू इंटू एल. तो फोर्स ऑन टू क्या आ जाएगा, दैट इज म्यू नॉट आई वन आई टू एल अपॉन टू पाई डी. ये हो गया फाइनल फॉर्मूला. Let's say this equation number one. So, according to Fleming left hand rule, according to Fleming left hand rule, अगर Fleming left hand rule apply करेंगे, देखो जरा
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज फोर्स, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस विल बी द करंट. तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करोगे तो फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा बॉयज एंड गर्ल्स? अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करोगे तो फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा? देखो वाई टू पे अप्लाई करो, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, अपना लेफ्ट हैंड लो, अपना लेफ्ट हैंड लीजिए, स्क्रीन को देखिए ध्यान से, लेफ्ट हैंड लीजिए, फर्स्ट फिंगर को ऊपर की तरफ रखो, मैग्नेटिक फील्ड, मैं रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट फिंगर को ऊपर की तरफ रखो, लेफ्ट हैंड है, मैग्नेटिक फील्ड. फिर अपना मिडिल फिंगर आई टू की तरफ लाओ, मिडिल फिंगर किधर लाना है? आई टू की तरफ. तो थंब किधर आ रहा है? फर्स्ट फिंगर ऊपर की तरफ रखो, बी वन की तरफ, मिडिल फिंगर आई टू की तरफ लाओ, तो थंब किधर जा रहा है? वर्ड स्क्रीन. नहीं नहीं देखो, इमेजिन करो उस डायग्राम को, अपना जो लेफ्ट हैंड लो, फर्स्ट फिंगर ऊपर की तरफ रखो और मिडिल फिंगर आई टू की तरफ, तो थंब किधर जा रहा है? लेफ्ट की तरफ जा रहा है ना? हम लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा, थंब, तो थंब लेफ्ट की तरफ आता है, तो एक्चुअली ये इधर की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, टारगेटिंग. तो इस तरह से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए. देखो फर्स्ट फिंगर ऊपर की तरफ, मिडिल फिंगर आई टू की तरफ, और इमेजिन करोगे तो थंब तुम्हारा लेफ्ट की तरफ आएगा, तो इसका मतलब वो लेफ्ट की तरफ अट्रैक्ट होता है, मतलब वो वायर वन की तरफ अट्रैक्ट होता है. Are you getting? So wire 2 attract towards wire 1. Wire 2 attracts towards wire 1. Towards wire 1. अब आप इसका रिवर्स भी कर सकते हैं. रिवर्स मतलब अब उल्टा करो, मतलब पहले हमने I1 ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया और I2 ने फोर्स एक्सपीरियंस किया. अब इसका रिवर्स, अब I2 जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और वायर 1 क्या करेगा? वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. हम इसी में डायग्राम में ड्रॉ कर देते हैं. लेट्स से अब ये जो है ना, दिस वन सेकंड वाला, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. हियर इसको कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, जस्ट वेट. हाँ, अब ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है. लुक हियर, तो ये वायर अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. लुक हियर, हियर हाँ, जस्ट वेट एक सेकेंड. अब ये वायर क्या करेगा? अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, दिस वन, ये, ठीक है. इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर भी जा रही है और अब टू वाला प्रोड्यूस कर रहा है, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ जा रही है, दैट इज डाउन, ऐसे घूम के जा रही है ना, ऐसे लाइक दिस वे ऐसे जा रही है, तो यहां पर नीचे की तरफ जाती है. बी टू डिस्टेंस वही ले लेते हैं हम लोग, डी, ठीक है, डिस्टेंस डी ले लेते हैं. अब क्या होगा? हम वायर टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, उल्टा रिवर्स, ठीक है. नाउ ये एंगल क्या होगा? दिस एंगल इज 90 डिग्री. नाउ अब रिवर्स करेंगे तो हम सेम प्रोसेस को हम दोबारा फिर से लिखेंगे. नाउ अगेन अब कंडक्टर टू प्रोड्यूस कर रहा है. नाउ कंडक्टर टू प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक फील्ड B2 की वैल्यू क्या होगी? म्यू नॉट आई टू. अब ये प्रोड्यूस कर रहा है, आई वन की जगह सेम डेरिवेशन रहेगा, बस वन की जगह टू आ जाएगा और टू की जगह वन आ जाएगा, आई टू अपॉन टू पाई डी. तो फिर ये कंडक्टर वन जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस कर लेगा, तो कंडक्टर वन एक्सपीरियंसेस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बी टू. Experiences conductor one experiences force due to magnetic field B2.
वो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. फॉर्मूला वही रहेगा, एफ वन इज इक्वल टू बी टू आई वन एल साइन 90, 90 बन रहा है वहां पर. तो ये बी टू की वैल्यू क्या करना है, यहां पे रख देना. तो ये हो जाएगा दैट इज एफ वन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई टू अपॉन टू पाई टी आई वन इन टू एल. फॉर्मूला दोनों का सेम आ जाता है बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करेंगे ना दोनों, आई वन आई टू एल अपॉन टू पाई टी. अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो, देन अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वायर वन अट्रैक्ट टूवर्ड वायर वन अट्रैक्ट टूवर्ड्स वायर टू अट्रैक्ट टूवर्ड्स वायर टू. देखो यहां पर अब मिडिल फिंगर को नीचे की तरफ रखो, देखो मिडिल फिंगर को नीचे की तरफ रखो, जो मैग्नेटिक फील्ड वाली फिंगर है ना रेड वाली वो नीचे की तरफ रखो, सॉरी फर्स्ट फिंगर को नीचे की तरफ रखो, फर्स्ट फिंगर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे की तरफ रहेगी, जो मैग्नेटिक फील्ड नीचे जा रही है तो मिडिल फिंगर को नीचे की तरफ रखो. सर मिडिल फिंगर बार बार आ रही है, फर्स्ट फिंगर को आप नीचे की तरफ रखिए डाउनवर्ड बी टू. तो फर्स्ट फिंगर को नीचे की तरफ रखिए, मिडिल फिंगर को आई वन के डायरेक्शन में करिए, तो आप देखेंगे थंब किधर जा रहा है, थंब राइट की तरफ जाएगा. मैं रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट फिंगर को नीचे की तरफ रखिए, मिडिल फिंगर आई वन की तरफ रखिए, तो फोर्स किधर जाएगा, फोर्स विल गो टुवर्ड्स राइट, फोर्स राइट की तरफ जाएगा. तो दोनों एक दूसरे को बेसिकली अट्रैक्ट करने लगते हैं. आर गुडिंग, दोनों के फॉर्मुले भी सेम है. तो सिंस एफ वन इज इक्वल टू एफ टू, दोनों फॉर्मुले सेम आ रहे हैं. एफ वन इज इक्वल टू एफ टू दैट इज लेट्स से एफ, ये वैल्यू क्या होती, म्यू नॉट आई वन आई टू एल अपॉन एल एन मतलब लेंथ ऑफ द वायर अपॉन टू पाई डी. दिस वन ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर प्रॉब्लम्स. देखो जरा समझो, पहले इमेजिन करो तू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझ में है ना, फर्स्ट फिंगर नीचे रखो, मिडिल फिंगर आई वन के डायरेक्शन में, तो थंब राइट की तरफ जाएगा, लेफ्ट हैंड है यार. हैव यू अंडरस्टूड दिस वन. पहले वायर वन ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, उसमें वायर टू ने फोर्स एक्सपीरियंस किया, फिर उसका रिवर्स किया, वायर टू ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, वायर वन ने फोर्स एक्सपीरियंस किया. व्हाट इट बॉयज एंड गर्ल्स, आप इमेजिन कर सकते हैं क्या डायग्राम को? यस सर. चलो अच्छा कॉपी कर लो, टिपिकल डायग्राम तो है, थोड़ा सा 3D में एक्चुअली हो रहा है. जस्ट कॉपी इट, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर प्रॉब्लम्स. आफ्टर टू मिनट ज्वाइन विद द सेम लिंक, अगेन लिंक जा रही है, दो मिनट बाद दोबारा फिर से ज्वाइन कर लेना.